हेलो फ्रेंड्स, आई एम फैजान तनवी। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लाया हूँ जो क्यूब रूट निकालने का ट्रिक है। आप 3 सेकंड के अंतर में कोई भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस ट्रिक का हम कैसे यूज़ करते हैं। हमारा क्वेश्चन रहा ये, 13,824 का क्यूब रूट क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी बंदा, अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम SSC, बैंक, बैंकिंग, कैट, मैट, जेट किसी की भी तैयारी करता है तो उसको कम से कम 1 से 10 तक का क्यूब रूट याद होना ही होना है। उसके हेल्प से हम ये क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो इसका तरीका ये है कि लास्ट का हम 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे और उसमें जो लास्ट का जो सबसे नंबर है उस नंबर को देखेंगे कि वो किसके क्यूब में आता है। तो यहाँ देखते हैं 1 के क्यूब में तो नहीं आ रहा है, 2 के क्यूब में भी नहीं आ रहा है, ये सिर्फ आ रहा है किसके क्यूब में, 4 के क्यूब में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि हमारा लास्ट नंबर 4 आएगा। अब बचा हुआ देखेंगे, बचा हुआ क्या, बचा हुआ 13 है। 13 को देखेंगे वो किसके क्यूब का नियरेस्ट पार्ट है, मतलब किसके क्यूब का सबसे किसके क्यूब से जस्ट छोटा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 का क्यूब 8 आता है जो छोटा है और 3 का क्यूब आता है 27। तो 27 13 से बड़ा है और 8 13 से छोटा है, तो हम क्या लेंगे, 8 किसका क्यूब है, 8 जो है 2 का क्यूब है। तो ये हमारा लास्ट फर्स्ट डिजिट आ जाएगा 2 और ये रहा हमारा आंसर। ये क्यूब रूट ऑफ 3 1 3 8 2 4 इजकल टू 2 4, ये रहा हमारा आंसर। आप 2 सेकंड और 3 सेकंड के अंदर में ये निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्यूब रूट 91,125। तो हम सेम वैसे ही देखेंगे, क्या देखेंगे कि लास्ट का 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे और उसका लास्ट डिजिट देखेंगे, उसका लास्ट डिजिट 5 है। अब लास्ट 5 जो है वो किसके क्यूब के लास्ट में आता है, तो हम ये इस टेबल को देखेंगे। इस टेबल में हम देखेंगे कि किसके लास्ट में 5 आता है। तो हमें नज़र आ रहा है कि 5 का क्यूब जो है 125 है, जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 5। अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है, 91। अब 91 को देखेंगे कि किसके क्यूब से जस्ट छोटा है। तो 91 को देखने के लिए क्या करेंगे, हम 4 का क्यूब देखेंगे, 4 का क्यूब क्या है, 64 है, जो 91 से छोटा है। अब जस्ट 5 का भी देख लेते हैं, 5 का क्यूब क्या, 125 है, जो कि 91 से बड़ा है। तो इसलिए 91 से छोटा वाला लेंगे, तो 91 से छोटा कौन सा है, 64। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 4। हमारा फर्स्ट नंबर होगा 4, फर्स्ट डिजिट होगा 4 और लास्ट डिजिट होगा 45। तो ये हमारा आंसर रहा किसका, क्यूब रूट ऑफ 91,125 का क्यूब रूट क्या रहा, 45 रहा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्यूब रूट अंडर 4,93,039। अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट सेम देखेंगे जो पहले क्वेश्चन में किए थे। तो इसका लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, उसमें जो सबसे लास्ट वाला है उसको हम देखेंगे कि वो किसके क्यूब के लास्ट में आता है। तो ये लास्ट का क्या रहा, 9 रहा। 9 किसके क्यूब के लास्ट में आता है, 9 आता है 9 के लास्ट के क्यूब में। 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है, जो उसके लास्ट में 9 आ रहा है। अब उसको हम लॉक कर देंगे, लॉक किसको करेंगे, 9 को करेंगे, क्योंकि 9 के क्यूब के लास्ट में आ रहा है। अब बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है 493 को जस्ट देखेंगे कि किसके क्यूब से जस्ट छोटा है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं इस टेबल में चेक करते हैं, तो 7 का क्यूब क्या है, 343, जो कि 493 से छोटा है। और 8 का क्या है, 512 है, जो कि 493 से बड़ा है। तो हम जस्ट छोटा वाला लेंगे, जस्ट छोटा वाला किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया 79। 79 किसका क्यूब रूट है, 79 क्यूब रूट है
493,039 का ये क्यूब रूट है। तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 704,969 किसका क्यूब रूट है। तो जस्ट हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह देखेंगे, 969 को अंडरलाइन करेंगे और उसके लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 9 है। तो 9 लास्ट डिजिट किस में आता है, ये आता है 9 के क्यूब के लास्ट में आता है, जो है 729। तो इसलिए हम इसको 9 को लॉक करके यहाँ 9 लिख देंगे। अब जस्ट बचा हुआ क्वेश्चन, बचा हुआ नंबर देखेंगे। बचा हुआ नंबर क्या है, 704। 700 किसके क्यूब का, क्यूब से जस्ट छोटा है तो हम उसको देखेंगे। तो हम अगर 8 का देखते हैं तो 8 का क्या है, 512 है, जो कि 704 से छोटा है। अब उससे ऊपर देखते हैं तो 9 देखते हैं, तो 9 का क्यूब क्या है, 729 है, जो कि 704 से बड़ा है। तो हम छोटा वाला लेंगे, तो छोटा वाला किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। तो ये रहा हमारा 8। तो 8 हो गया फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट हो गया 9। तो ये रहा हमारा आंसर। आंसर क्या रहा, क्यूब रूट अंडर 704,969 ये रहा हमारा आंसर। और इस तरह से तो ये रहा हमारे क्यूब रूट निकालने का फास्ट एंड फ्यूरियस ट्रिक। इस ट्रिक से आप कोई भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।